आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैच्योर स्किन पे किस तरीके से आईब्रो बनाएंगे। साथ ही मैं ये भी बता रही हूँ कि जब आँखों में लेज़र ट्रीटमेंट होया हुआ हो तो किस तरीके से हम लोग आईब्रो को बनाएंगे ताकि आँख में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैच्योर स्किन पे और साथ ही अगर लेज़र ट्रीटमेंट होया हुआ हो आँखों में तो हम लोग आईब्रो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बढ़े हुए बाल हैं उसे सीजर से इस तरीके से कट कर लेते हैं, और इसके बाद मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल और ले रही हूँ साथ ही फेशियल रेजर। तो आज मैं धागे से नहीं, थ्रेड से नहीं, बल्कि मैं रेजर से आईब्रो बनाना बता रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे आँखों पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक्स्ट्रा हेयर्स को काट लें, और इसके बाद एलोवेरा जेल लगाने के बाद आप इस तरीके से रेजर से आईब्रो को शेप करेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। गाइस सब ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या फ़ायदा क्या है कि यहाँ आँखों पे जोर नहीं पड़ रहा है। अगर हम लोग धागे से बनाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा घिसना पड़ता है, घिसने के लिए नीचे भी आइस पे जोर देना पड़ता है, दबाना पड़ता है हल्का। तो रेजर से करने के लिए इस तरीके से नहीं करना होगा, सिर्फ हम लोग ऊपर से ही खींचेंगे तो आईब्रो को आप इजीली बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और यहाँ पे आपको पाउडर नहीं लगाना है। आप अगर एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है सेप से एक्स्ट्रा, और बनाना भी ईजी होता है, और आप जिनका भी आईब्रो बना रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी आइस पे कोई जोर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोग को यही चीज़ दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इस तरह के आईब्रो को बना सकते हैं। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखिए, और अगर इस तरह का आप लोग को कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से आईब्रो को बनाइए, और बताइए आप लोग को इसमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या दिक्कत आ रहा है। अगर आप लोग को कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और गाइस यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो पहले से देख रहे हैं यानी कि आप मेरे मेंबर हैं तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा मिल सके। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग कुछ उनको जानकारी मिल जाए। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि किस तरह से कितना ज़्यादा चेंजिंग आ गया है, और आप बहुत ही आसानी से इससे आप हेयर को रिमूव कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे हार्ड हेयर आएगा, जो हेयर आपका थ्रेड करने से आता है जिस तरीके का, उसी तरह का सॉफ्ट हेयर इससे भी आता है। तो आप इस तरह से रेजर के हेल्प से आईब्रो को शेप दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं किस तरह से सिर्फ ऊपर से ही स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि सारे हेयर आसानी से निकल जाए। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में आप एलोवेरा जेल लगा दें जिससे अच्छा लगेगा। इससे किसी भी तरह का जलन नहीं होता है, और कंफर्टेबली आप लोग आईब्रो इस तरह से बना सकते हैं। गाइस ये है आईब्रो बनने के बाद का लुक। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइएगा।